यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा अंदर और कितना खूबसूरत ये बना हुआ है हम आपको ये दिखाने वाले हैं। चलते हैं सीधा अंदर की ओर। आपको व्यू देखने को मिल रहा होगा मेडिकल कॉलेज का, कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा बना हुआ है। एम्बुलेंस वगैरह खड़ी रहती हैं, जैसे आपको जाना है तो आपको यहाँ से एम्बुलेंस भी मिल जाएंगी। दोस्तों ये देखिए एम्बुलेंस खड़ी हुई है और ये गेट है। देखिए हम दूसरे सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ पर आपके पर्चे वगैरह बनते हैं। ये देखिए कुछ लोग आए हुए हैं उरई, जो कि राजकीय मेडिकल कॉलेज आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं अंदर की ओर और हम दिखाते हैं आपको कहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पर पर्चा बनेगा। तो दोस्तों हम दिखाने वाले हैं और दोस्तों यहाँ पर कितने गेट है, ये गेट नंबर 2 है। आप लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और अंदर भी गेट है तो आपको दिखाएंगे कहाँ से आपको एंट्री करनी है और कहाँ पर आपको कौन सा आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा अंदर की ओर। यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा अंदर और कितना खूबसूरत ये बना हुआ है हम आपको ये दिखाने वाले हैं। चलते हैं सीधा अंदर की ओर। मिल जाएंगे बहुत ही खूबसूरत है, इसके छांव में आप लोग बैठ सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम लोग, आई लव GMC जालौन। तो दोस्तों ये देखिए ये आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक साइड को रास्ता गई है और दोस्तों इसके सामने एक रास्ता गई है, ये गेट है आपके दोनों। और दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए आपको व्यू देखने को मिल जाएगा जो कि मेडिकल कॉलेज का। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुर्सी देखने को मिल जाएगी आपको। दोस्तों यहाँ पर आपको आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर पानी पीने का है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा और गेट नंबर 1 है दोस्तों ये, यहाँ पर देखिए। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं आप लोग। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको हर सुविधा देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलेंगे, यहाँ से आपको रास्ता ये एक और मिल जाएगी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो कि यहाँ पर एक रास्ता ये आगे के लिए गई है जहाँ पर आपको दिखाएंगे, जहाँ पर ये छात्रा देखिए यहाँ पर आपको एक चक्कर देखने को मिल जाएगा गोल गोल, ये देखिए। और इसके सामने आपको ये दिख जाएगा, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती देखने को मिलेगी आपको। और आप ताहिर से कहेंगे इस साइड को चलो, थोड़ा सा इस साइड, यहाँ पर दोस्तों दिखाएंगे हम जो भी यहाँ पर गर्ल्स वगैरह रहती है। सामने वो हॉस्टल दिख रहा है आपको, वहाँ पर गर्ल्स वगैरह रहती है जो मेडिकल कॉलेज की। और जो इस साइड बना है ये देखिए दोस्तों, ये इस साइड बना है, यहाँ पर बॉयज़ वगैरह रहते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अलग व्यू देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगी मेडिकल कॉलेज की। और दोस्तों ये देखिए सामने ये बॉयज़ हॉस्टल है, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको, ये आपको मेडिकल कॉलेज का व्यू देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा ये मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत यहाँ पर रोड है, ये देखिए दोस्तों। यहाँ से गर्ल्स है हॉस्टल यहाँ पर, और ये बॉयज़ हॉस्टल है, ये देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखा होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको हम, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पर सारे लड़के वगैरह रहते हैं और गर्ल्स हॉस्टल उस साइड है। और सामने दोस्तों यहाँ पर देखिए ये डॉक्टरों के अपार्टमेंट बने हुए हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सारे डॉक्टर वगैरह रहते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम, तो यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर लिखी भी है, ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाने वाले ये चील घर है जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तार से कहेंगे थोड़ा सा और आगे चलो दोस्तों। यहाँ से रास्ता आपकी जाएगी थोड़ी सी और आगे और ये आपको व्यू देखने को मिल रहा होगा मेडिकल कॉलेज का, कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा बना हुआ है। दोस्तों आप जब आओगे यहाँ पर तो आपको अलग लुक देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए दोस्तों ये गेट नंबर 3 है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये व्यू देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह खड़ी रहती हैं, जैसे आपको जाना है तो आपको यहाँ से एम्बुलेंस भी मिल जाएंगी। दोस्तों ये देखिए एम्बुलेंस खड़ी हुई है और ये गेट है दोस्तों, यहाँ से आपको गेट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये देखिए ये व्यू देखिए आप। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लैब देखने के लिए मिल जाएगी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लोकेशन बनी हुई है मेडिकल कॉलेज की, ये देखिए। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए गेट नंबर 2 आ चुका है, ये देखिए। और इसके जब आप लोग एंट्री करोगे इसके अंदर तो आपको सामने ही दिख जाएगा पर्चा कहाँ बनता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये गेट देखने को मिल जाएगा आपको। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं आप, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है आपातकालीन, यहाँ पर दोस्तों सिगरेट विगरेट पीना गुटखा खाना अलाउ नहीं है और आप लोग नहीं आ सकते दोस्तों। यहाँ समझ सामने आपको एमरजेंसी देखने को मिल जाएगी और दोस्तों यहाँ पर आपको कुर्सी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं,
देखिए हम दूसरे सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ पर आपके पर्चे वगैरह बनते हैं। ये देखिए कुर्सी डली हुई है, देखिए आपको दूसरा सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुर्सी वगैरह देखने को मिल जाएगी, ये डली हुई है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और टिकट वगैरह आप तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको पर्चा वगैरह बनवाना होता है। और दोस्तों उसके सामने चलते हैं, ये देखिए दोस्तों दूसरे सेक्शन में, ये देखिए यहाँ पर लिखा है रोगी विभाग। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग चलते हैं दूसरे सेक्शन में और निकलते हैं सीधा आगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्यालय के लिए, मुख्य कार्यालय के लिए यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपको व्यू देखने को मिल जाएगा, ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो शाम हो चुकी है, तो सभी लोग जा चुके हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपको ये व्यू देखने को मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों जितना हमसे हो सका मैंने मेडिकल कॉलेज में आपको दिखाने की कोशिश की। और दोस्तों जो भी आपको दिक्कत हुई हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।